क्लास ओपन जो मैथ्स बुक्स एंड नोटबुक्स एक्सरसाइज टू है पेज नंबर 22 आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज रियली हम कर रहे हैं इसके एक्सरसाइज की ठीक है। उन्हें कहा राइट डाउन द फॉलोइंग रेशियो नंबर एज इंटीजर इंटीजर प्लस या माइनस वाले नंबर्स होते हैं ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ माइनस 21 डिवाइड बाय माइनस 1। अब माइनस साइन क्या होता है कि अगर माइनस हो एक के साथ तो दूसरे के साथ प्लस हो तो वो माइनस बन जाता है और अगर दोनों के साथ माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करने लगे नाउ स्टार्ट नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे हम क्वेश्चन लिखेंगे माइनस 21 बाय माइनस 1। अब माइनस माइनस से खत्म और नीचे वाला 1 जो है वो हम नहीं लिखते होते तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 21 और ये आपने इंटीजर में कर लिया जिसका कोई साइन नहीं होता वो उसका मतलब है कि वो प्लस इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द रेशियल नंबर हुज न्यूमरेटर इज 15 माइनस 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 37 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब कोई आपने ऐसा रेशियल नंबर लिखना है फ्रैक्शन वगैरह लिखनी है जिसका न्यूमरेटर जो है वो 15 माइनस 4 हो और उसका डिनोमिनेटर 37 मल्टीप्लाई माइनस 2। ऊपर वाली वैल्यू को ये फ्रैक्शन लाइन सबसे पहले आप लोगों ने फ्रैक्शन लाइन लगानी है ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इसका न्यूमरेटर जो है एक हमने न्यूमरेटर चेक करना और एक डिनोमिनेटर देखना है। अब न्यूमरेटर जो है वो उसका है 15 माइनस 4 तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखेंगे 15 माइनस 4 ठीक है और डिनोमिनेटर में उन्होंने कहा है डिनोमिनेटर उसका 37 माइनस 2 तो आप यहाँ पे नीचे लिखोगे 37 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। फिर आप ये जो क्वेश्चन आपने बना लिया फ्रैक्शन इसको अब आप सॉल्व करोगे 15 में से 4 गए 11 ऊपर 11 आ गया डिवाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाई माइनस 2। अब माइनस प्लस माइनस और 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपको रिमन नहीं आता तो आप क्या करोगे आप 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 इंटू 7 14 4 नीचे 1 ऊपर कैरी 2 इंटू 3 6 6 प्लस 1 7 74 तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 74 ठीक है। और अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है इसको तो ये माइनस साइन अगर किसी ऊपर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक के साथ साइन हो माइनस का तो हम क्या करते हैं माइनस साइन सेंटर में लिख देते हैं और फिर जो आंसर होता है उसको हम लिख देते हैं 11 बाय 74 और ये आपका आंसर। आपने क्या करना है एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी ठीक है। एवरीवन आई लव यू।